बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चिप्स। आज मैं बेसन वाली पोटैटो चिप्स बना रही हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। हमें पोटैटो बेसन वाली चिप्स के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो मैंने इसके लिए 3 अदद आलू लिए हैं। ये एक बड़ा था तो मैंने इसको 2 कर लिए, तो 3 अदद आलू हैं मीडियम साइज़ के। हाफ प्याले में चाहिए बेसन, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ही हमें चाहिए काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं हल्दी ले रही हूँ, चिली फ्लेक्स ले रही हूँ मैं हाफ टी स्पून, ज़ीरा मैं जस्ट जायके के लिए, जायके को चेंज करने के लिए ले रही हूँ, थोड़ा सा ले रही हूँ बस, और नमक हसब ज़रूरत। इसके साथ ही हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर, विनीगर हमें चाहिए होगा 1/2 कप। ठीक है व्यूअर्स, मैंने इसमें बेसन भी ऐड कर लिया और तमाम स्पाइसेस भी। अब मैं इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और मैं इसको मिक्स करूंगी। साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कट के विनीगर भी ऐड करूंगी। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा विनेगर बहुत कम यूज़ हुआ है। इस तरह से आप इसको रखें। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पोटैटो चिप्स डालना स्टार्ट करती हूँ। एक एक करके डालें ताकि चिप्स अलग अलग रहे। मैंने इसमें एक एक करके चिप्स डाल दी है, अब मैं इसको हल्का सा यूं करके हिलाऊंगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, बस मैं इसको 5 मिनट तक और फ्राई करूंगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। व्यूअर्स, हमारे चिप्स बनकर रेडी है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें, चाय के साथ लें, बच्चों को बना के दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी चिप्स कैसी बनी है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।